मैंने ही आपको ये बात बताई थी कि भाईजान सलमान खान रोहित धवन के साथ एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं और ये कोलैबोरेशन एक सुपर हीरो फिल्म होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म की क्या जानकारी मुझे पता चली है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्क्रिप्ट है ये ऋतिक रोशन साहब के पास पहुंचती है। ऋतिक रोशन कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो क्रिश ऑलरेडी बन गए हैं। तो यहां पर ऋतिक रोशन दोस्तों स्क्रिप्ट को पास ऑन करते हैं और कहते हैं इसमें रीराइटिंग की जरूरत है। सलमान खान स्क्रिप्ट सुनते हैं, उनको अच्छी लगती है, बट वो भी इसे पास ऑन कर देते हैं। और इसमें सलमान खान जी का एक बहुत ही बेसिक जो है डिनायल है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और भाई ने बहुत अच्छा सोच के कदम उठाया ये। भाई को ये लगता है कि 54 की उम्र में, अभी जो जिस उम्र के वो पायदान पे हैं, उस उम्र के पायदान पे वो इस तरीके की सुपर हीरो फिल्म्स करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, अगर उनके पास ये स्क्रिप्ट आज से 10 साल पहले आई होती तो वो तो उछल के वो काम करते पहले। सलमान भाई ने बोल दिया है कि एट दिस एज आई डोंट थिंक सो आई एम सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, इसके लिए कोई और यंग एक्टर की जरूरत होगी। सो भाई ने ऑनेस्टली अपनी बातें रख दी हैं दोस्तों, भाई ने बोल दिया है। अब यहाँ पर एक और रीज़न मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हॉलीवुड के स्टार्स जैसे ब्रैडले कूपर ले लीजिए, टॉम हार्डी ले लीजिए, ये अपनी एज के रोल चुनते हैं, मतलब ऐसे रोमांटिक टाइप के नहीं या फिर ज़बरदस्ती अपने एज से छोटे रोल नहीं, सेम वैसे ही बॉलीवुड के सुपर स्टार्स भी ऐसा कर रहे हैं। आमिर खान इस लीग में सबसे पहले हैं, राइट। अमिताभ बच्चन जी ले लीजिए, वो तो अलग, बाप रे बाप, वो तो बहुत ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। भाईजान सलमान खान ले लो, अब भारत के बाद अगर देखा जाए तो भाई बहुत, मतलब इंक्रीज होने वाला है भाई का जो वर्चस्व है। और भाई जो है अब वेतरन में भी आ रहे हैं, जिसमें वो डिटेक्टिव बने हैं, और ये डिटेक्टिव जो बने हैं दोस्तों ये उनकी उम्र से मेल भी खाता है। तो भाई आई एम विद यू, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। दोस्तों आपको क्या कहना है भाई के इस डिसीजन को लेकर, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं क्या भाई ने सही कहा या नहीं। सारी बातें बोल दीजिए और बने रहिए मेरे साथ, मैं राहुल भोज इसी तरीके की अपडेट्स देता रहूंगा। हम सब तारीफों के पुल बांध रहे हैं KGF एक्टर द रॉकिंग स्टार यश की, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि रॉकिंग स्टार यश किसकी तारीफ कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। तो भाई बताना चाहता हूं मैं कि हमारे जो बैंड बाजा वाले एक्टर है ना, यानी कि हमारे सिम्बा बाजीराव मस्तानी के बाजीराव और पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी, यश तो दीवाने हैं रणवीर सिंह के। आपको बताना चाहूंगा, रणवीर सिंह के लिए उन्होंने एक बात बोली है और वो ये है, रणवीर सिंह आई डिडंट लाइक हिम इनिशियली बट रिसेंटली ही इज टू गुड, आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम सिंस बाजीराव मस्तानी एंड देन पद्मावत, तो उफ ही इज स्टनिंग, ही इज टू गुड। तो भाई KGF के एक्टर ने तो बोल दिया है कि रणवीर सिंह है स्टनिंग, टू गुड। भाई अब लेट्स सी, देखते हैं रणवीर सिंह कितना आगे जाते हैं और कौन कौन उनकी तारीफों के पुल बांधता है। हमारे KGF रॉकिंग स्टार यश की बातों को लेकर आपको क्या है कहना? क्या आपको भी रणवीर सिंह स्टनिंग, सुपर कूल और अमेजिंग लगते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। और प्लस रणवीर सिंह की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी थी? वेल, मुझे ना एक तो बैंड बाजा में इनिशियली वो बहुत अच्छा लगा था और उसके बाद मतलब यार सारी फिल्में अच्छी हैं उनकी, तो ही इज टू गुड। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिए मेरे साथ, अपडेट करता रहेगा आपका ये बंदा। टेक केयर।